हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे माइकल आइजर की बुक वर्किंग टुगेदर को। तो हम सब के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। हम में से कोई इंसान एक्शन टेकर होता है जो कोई भी काम उसके सामने पड़ता है और तुरंत काम में जुट जाता है। कुछ लोग प्लानर ज़्यादा होते हैं जो कि कोई भी काम मिलता है उसको पहले लिस्ट बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, प्लान बनाते हैं और शायद उसके बाद कभी एक्शन लेते भी नहीं हैं, बट दे आर गुड प्लानर। कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में, नेटवर्किंग में, लोगों से मिलने जुलने में, हाय हेलो करने में बहुत अच्छे होते हैं और ज़्यादातर लोग इन सब के बीच में होते हैं। तो इस तरीके से इनके अपने अपने नुकसान हैं। आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप एक्शन टेकर हैं और आपके पास प्लान नहीं है तो बिजनेस कभी शुरू नहीं होगा। अगर आप प्लानर हैं पर एक्शन नहीं लेते हैं तो कभी नहीं होगा। आप रिलेशनशिप मेंटेन करने में अच्छे हैं बट आपको नेटवर्किंग, एक्शन और प्लान के बारे में नहीं पता है तो भी बिजनेस शुरू नहीं होगा। तो आइडियली तो बैलेंस होना चाहिए इन सब चीज़ के बीच में, बट आप ये सोचिए कि आपके माइंड में बिजनेस आइडिया आता है। आपकी पर्सनैलिटी एक दूसरी तरीके की है जो कि एक लाइफ लॉन्ग चीज़ होती है पर्सनैलिटी का होना, क्योंकि हम अपनी पर्सनैलिटी धीरे धीरे ही चेंज कर सकते हैं। अगर आप बहुत सामाजिक हैं तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि आप असामाजिक हो जाओ, कम लोगों से मिलो, कम बातचीत करो। अगर आप एक्शन टेकर हैं तो ऐसा बहुत मुश्किल से पॉसिबल होता है कि आप प्लानिंग बना सको। तो ऐसे में हमें एक सही पार्टनर, सही दोस्त, सही बिजनेस पार्टनर चाहिए होता है जिसके साथ मिलकर हम अपने बिजनेस के सपनों को पूरा कर सकते हैं। पर पार्टनरशिप के बारे में आते ही बात हर कोई कहता है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, पर यहाँ वो पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं इसके थ्रू कि जिनके थ्रू आप एक अच्छी म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली, इंटीग्रिटी वाली, जहाँ एक दूसरे की इंटीग्रिटी बनी रहे, एक दूसरे का सम्मान हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, भरोसा हो और एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट करें, उस पार्टनरशिप के बारे में बात होगी। तो पार्टनर एक दूसरे के चीयर लीडर की तरह होने चाहिए कि वो एक दूसरे को कठिन समय में भी, अच्छे समय में भी, एक दूसरे की अच्छी बातों पर एक दूसरे को शाबाशी दें, थपथपाएं पीठ उनकी कि आपने बहुत अच्छा किया, चलो मिलके करते हैं। तो पार्टनर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक दूसरे से लगातार मिलना। दो अलग अलग जगह पर रहकर पार्टनरशिप करना मुश्किल होता है। आपके बीच में एक संवाद और संपर्क और कॉल्स होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई तीसरा इंसान आपके बीच में आएगा और आपकी पार्टनरशिप समझिए टूट ही गई। मुश्किल समय में सहारा देना। आपके पार्टनर आपकी लाइफ दोनों की अलग अलग हो सकती है, दोनों के साथ अलग अलग समय में भी पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर मुश्किल समय आ सकते हैं। तो एक अच्छा पार्टनर, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप तभी मेंटेन होती है जब आप मुश्किल समय भी एक दूसरे को सहारा देते हो। आपस में किसी अच्छे आइडिया को लेकर एक्साइटेड होना एक दूसरे पार्टनर को भी एक्साइट करता है। तो अगर आपके बीच में कोई अच्छा आइडिया आता है तो उसके एक्साइटमेंट का होना अच्छा है। अगर किसी आइडिया से आप एक दूसरे को सही नहीं मानते हैं तो उसके बारे में खुल के डिस्कस करना भी अच्छा होता है। एक दूसरे के अच्छे गुणों को समझना, उन्हें बढ़ावा देना पार्टनरशिप का एक बहुत अच्छा गुण है। इसके अलावा विनम्रता यानी पोलाइटनेस एक एसेट है पार्टनरशिप में। एक दूसरे के लिए विनम्र होना, घमंड और शंका पार्टनरशिप के लिए पॉइजन है कि मैं बेहतर हूँ, यही मैं ही सब कुछ करके दे रहा हूँ। आप देखिए कि वॉरेन बफे और चार्ल्स मंगर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। दोनों ने मिलकर साथ किया, बहुत लंबा काम, बहुत लाखों करोड़ों रुपये अर्न किए, बट उनकी पार्टनरशिप एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पे जुड़ी हुई पार्टनरशिप है जहाँ वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पार्टनर का कमिटेड होना बहुत जरूरी है। आपस में एक दूसरे से कंपटीशन नहीं होना चाहिए, रादर आप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हों, एक दूसरे के गुण को समझें, एक दूसरे को सराहें, एक दूसरे की बातों को माने, डिस्कशन हो, लड़ाई ना हो आपस में। और कहते हैं कि एक ही चीज़ पे आप रहें, एक ही बुक पढ़ें ताकि आपकी सोच भी लगातार एक ही लेवल पर चलती रहे। एक ही बुक के साथ साथ उन्हें डिस्कस करें उस बुक्स के पॉइंट को कि आप उसे कैसे समझते हैं। अलग होकर भी सिमिलर होना जरूरी है। देखिए हर इंसान अलग होता है तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हम सब अलग हैं, पर आप दूसरे के अच्छे पॉइंट और अपने बुरे पॉइंट के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होनी चाहिए कि अगर आप अच्छे इनिशिएटर या एक्शन टेकर नहीं हैं, आप अच्छे प्लानर हैं, तो ये आपकी प्लानिंग की एबिलिटी को आपका पार्टनर सराहे। और अगर आपका पार्टनर एक्शन टेकर है तो आप उसके एक्शन लेने की क्षमता को सराहे। दोस्त बनना अच्छा होता है, विश्वास स्ट्रेंथ बढ़ाना अच्छा होता है, कमजोरी कम करना पार्टनरशिप में अच्छा होता है। तो कुल मिला के आप कोई बड़ा सपना लेकर बैठे हैं पर क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो नेचुरल गुण है ही नहीं, या तो आप किसी एक गुण में लैग कर रहे हैं या किसी एक गुण के पॉइंट्स आपके अंदर कम हैं, वो विश्वास नहीं है। तो ऐसे में पार्टनरशिप होना
बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वर्किंग टुगेदर बाय माइकल आइजनर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड योर बुक. Thank you.